देश के किसानों के साथ ही देश के पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेटिव सेक्टर को भी पूरी ताकत से सही दिशा में आगे बढ़ाना होगा। साथियों, आज ये समय की मांग है कि देश के किसान की उपज को बाजार में ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। सिर्फ रॉ प्रोडक्ट या फिर सिर्फ उपज तक किसानों को सीमित रखने का नुकसान देश देख रहा है। प्रधानमंत्री कृषि क्षेत्र की तरक्की के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को मिलकर काम करने की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि कृषि को फायदा तभी मिलेगा जब छोटे किसानों का भला होगा। पीएम ने भरोसा जताया कि छोटे किसानों को ताकतवर बनाने के लिए निजी क्षेत्र का कृषि में दखल बढ़ना जरूरी है। इसके लिए पीएम ने फॉर्मूला भी सुझाया है। फूड प्रोसेसिंग से किसानों के साथ साथ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को बल मिलेगा। किसानों को उपज का सही दाम दिलाने के लिए उनके पास बेचे जाने के लिए कई विकल्प होने चाहिए। इसके साथ ही गांव के पास ही एग्रो इंडस्ट्री की संख्या बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराने होंगे। हालांकि कृषि के जानकारों का मानना है कि निजीकरण के बहाने कॉरपोरेट सेक्टर खेती पर हावी हो जाएगा और किसानों को उपज का सही दाम दिलाने की मंशा अधूरी रह सकती है। प्रधानमंत्री जी ने जो कल वेबिनार में कहा है उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक वेलनेस ने करीब 5 वर्ष पूर्व विलेज बाबई जो कि बुंदेलखंड के अंदर है बहुत ही मॉडर्न प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है। उसके तहत करीब 200 तरीके के इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और फोकस है लोकल। लोकल का मतलब सोर्सिंग भी लोकल है और उस प्लांट को चलाने वाले भी लोकली सो कॉल्ड अनएम्प्लॉयड यूथ हैं।